subscribe our YouTube channel, Bhiwanji Mirror. Press bell icon to get more notification. Follow on Facebook. Join with us on WhatsApp 7888161661. बताएंगे कि ये खुशी का कारण है। ऐसे तो पूरा शहर जानता है, लेकिन आपने मुझे चुनना चाहते हैं। ये खुशी का कारण ऐसा है कि 5 दिसंबर 2019 को इसी महापालिका में कांग्रेस के 18 लोगों ने बंडखोरी की थी, यानी गद्दारी की थी, और पार्टी के व्हिप के खिलाफ एक गलत व्हिप निकाल के पूरे शहर को मिसगाइड करने की कोशिश की। और वक्त रहते हुए सुबह 10 बजे पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दाखिल हुई, 12 बजे जब पीठासीन अधिकारी इलेक्शन लेने आए, उनके बाद राइटिंग में कंप्लेंट चली गई। राइटिंग में वहाँ पर स्टेटमेंट किया गया गढ़ नेता द्वारा कि बाबा ये जो हमारी जो ऑफिशियली उम्मीदवार है वो ऋषि का राका है, ना कि हमारा और कोई उम्मीदवार है। तो जिस तरीके से उन्होंने गलत वेब निकाल के गलत वो करने का जो जितनी भी कोशिश की, उसको टोटल टाइम के अंदर ही हम लोग ने उसको काउंटर किए थे जी। और वही काउंटर करना हमारे को फायदेमंद रहा। उसके ऊपर इसी जो फैसला आने में जो इतनी देरी हुई, तो उसका कारण क्या बताएं? उसका कारण ऐसा कि 2 साल लोग कोविड का भी था, फिर उसके बाद में कुछ जो हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए था वो ना इंसाफी हुई, और हमारे अपने लोगों ने किया ना इंसाफ। अच्छा, और ये जो सफर था आपका 3.5 साल जो आपने लड़ाई की, तो इसमें किस तरह की तकलीफें आपको आई है? कहीं तकलीफें बहुत आई, मगर भिवंडी शहर के लोगों का जज्बा और भिवंडी शहर के लोगों की दुआएं, उसने कभी भी कोई तकलीफ आपके ऊपर भी कुछ पॉलिटिकल प्रेशर थे इसके? वो प्रेशर से मैं कभी डरता नहीं, मैं जिंदगी में स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी, उसमें नुकसान नफे की कभी मैं परवाह नहीं करता, क्या नुकसान होगा क्या नफा होगा। सर, जिस तरह से यहाँ पर देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के 29 नगर चौकों की यहाँ उपस्थिति है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष यहाँ पर नहीं है, क्या कारण है? कौन सा ये जो है वो मीटिंग है आज प्रदेश में, और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के तरफ से, जिला प्रेसिडेंट के तरफ से प्रोग्राम नहीं रखा गया था। ये प्रोग्राम हमारे जावेद फारूकी साहब और हमारे चंद यूथ के लोगों ने और डॉक्टर नूर और तमाम कार्यकर्ताओं ने प्रोग्राम रखा। रोल का क्या, जिला अध्यक्ष से मेरी रात में बातचीत हुई, उन्होंने मुबारकबाद दी मुझे। एक बात खाली यहाँ पे, जैसे आपने बोला कि झूठा व्हिप जो है जारी किया गया था, तो जो झूठा जिसने जारी किया था उसके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं हुई? देखो, उसके ऊपर कार्रवाई का अभी हम बड़ी लड़ाई के पीछे थे कि हमको बड़ी जंग जीतना है, इनको पहले घर भेजना है, बाकी तो होते रहेंगे देखे जाएंगे। अगर आप भी कर रहे हैं किसी तरह की समस्या का सामना, तो हमसे संपर्क करें, क्योंकि भिवंडी मिरर जनता से जुड़ी समस्याओं को दिखाने के लिए किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं लेता।